अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी आलू बैंगन। इसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिए थे आधा किलो बैंगन, इसको धोकर काट कर मैंने पानी में भिगो दिया है। 1-1 टीस्पून ली थी मैं कलौंजी और सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून नमक, 1-1 टीस्पून हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर, 10 से 12 कतारा लेके मैंने उसका पल्प निकाल लिया था। 2 बड़े आलू लिए हैं जिसको मैंने छोटे साइज़ में काट लिया है, और 2 ली हैं हरी मिर्चें। यहाँ मैंने ले लिए पतीली, इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा। ज़ीरा अब यहाँ ऐड कर दिया है मैंने। अब ज़ीरा जब थोड़ा कड़कड़ा जाएगा, देखें ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बैंगन, और बैंगन ऐड करने के बाद थोड़ा सा ज़ीरा और तेल के साथ बैंगन को चमचे चला लेंगे ताकि ज़ीरा और तेल हर जगह मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले। यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छी तरीके से अब हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे बैंगन के अंदर हल्दी और लाल मिर्चें। अच्छी तरीके से जब मसाला मिक्स हो जाएगा बैंगन के अंदर, तो यहाँ मैं ऐड कर दूँगी 1.5 कप के करीब पानी। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ, और पानी ऐड करने के बाद मैं बैंगन को ढककर कम से कम 20 मिनट तक पकाऊँगी। मैंने ढकनी ढक दी थी। अब मैं ढकनी अगेन खोलकर चेक कर रही हूँ कि बैंगन कहाँ तक गल गए हैं। देखिए काफ़ी हद तक बैंगन सॉफ्ट हो गए हैं। अभी भी थोड़े बैंगन खड़े खड़े हैं, लेकिन आलू ऐड करूँगी तो वो पूरे टूट जाएंगे। अगर बैंगन बिल्कुल हमें खड़े हुए बैंगन नहीं चाहिए, हमें मैश कर बैंगन चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं तोड़ रही हूँ चमचे की मदद से। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ आलू। आलू ऐड करने के साथ ही आप 1/2 कप पानी भी ऐड कर दें, और फिर इसको ढकनी ढक दूँगी मैं। यहाँ मैंने ढकनी ढक दी थी और पानी भी ऐड कर दिया था। अब मैं अगेन चेक कर रही हूँ 10-15 मिनट के बाद। अभी ये आलू गले नहीं हैं, लेकिन यहाँ मैं ऐड कर दूँगी नमक और कलौंजी और सौंफ, और फिर से मैं इसको एक दफ़ा स्टर करके सब कुछ मिक्स करके दोबारा से ढक्कन बंद कर पकाऊँगी। आप लोगों ने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, और मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना है। यहाँ मैंने ढकनी लगा दी है, अब मैं इसको देखूँगी 10-15 मिनट के बाद। 15-20 मिनट मेरे ख्याल में गुजर गए थे। अभी जो है वो आलू हाफ डन हो गए हैं, तो अभी यहाँ मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प, जो मैंने इमली का पल्प बनाकर रखा था। आप पूरी इमली भी कतारे जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पल्प ऐड कर रही हूँ। पल्प ऐड करना ज़्यादा बेटर रहता है, खाने में वो किसी के मुँह में नहीं आएगा, वरना कभी कभी ऐसा होता है कतारा मुँह में आ जाता है, तो इसलिए ख्याल रखें। मैं जब भी पल्प ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं यहाँ हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और हरी मिर्च ऐड करने के बाद मुझे इतना पकाना है। अभी आपको बैंगन पतला लग रहा है, थोड़ा सा इतना पकाना है कि बैंगन थोड़ा गाढ़ा हो जाए। आप देखें बिल्कुल मेरा बैंगन तैयार है, रोगन भी ऊपर आ चुका है। और आप देखें इस तरह का बैंगन होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा, जो खाने में मज़ा आता है। पतले बैंगन अच्छे नहीं लगते हैं। तो रूट राजेश रेसिपी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट, और मैं आपको दिखाऊँगी फाइनल लुक। यहाँ मैंने निकाल दिया है, डिश आउट कर दिया है आलू बैंगन। मैंने इसको सर्व किया चावलों के साथ। आपको जिससे अच्छा लगे रोटी के साथ आप ज़रूर ट्राई करें, और मुझे फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।